अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की तफरी के लिए एहसन इकदाम। सेंट्रल पुलिस ऑफिस की दरसगाह में पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की तफरी के लिए एनिमेटेड कार्टून फिल्म स्क्रीनिंग का एहतमाम। पंजाब भर से गुजस्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 104,317 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 8,257 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 48,339 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4,706 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 664 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। शाबाश राजनपुर पुलिस शाबाश, थाना मोहम्मदपुर की हदूद में होने वाले अंधे कत्ल का मोयमा हल, मोहम्मद अकमल के कातिल मंत की अंजाम को पहुंच गए। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नेवर अगेन मुहिम के तहत अटक थाना रंगू पुलिस की कार्रवाई। खातून शहरी को असलहे की नोक पर जान से मारने की धमकियां देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की तफरी के लिए एहसन इकदाम। सेंट्रल पुलिस ऑफिस की दरसगाह में पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की तफरी के लिए एनिमेटेड कार्टून फिल्म स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। हॉलीवुड फिल्म लियोनार्डो द विंची मिशन मोनालिसा से पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की बड़ी तादाद ने लुत्फ उठाया। मियारी तफरी के साथ साथ बच्चों की खाने पीने की अशिया से तवाजे भी की गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बच्चों से मुलाकात, गपशप लगाते हुए तालीम और फ्यूचर बारे गुफ्तगू की। बच्चे एनिमेटेड कार्टून फिल्म से बेहद लुत्फानंदोज हुए और सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ फ्लोर्स की सैर भी की। बच्चों के वालदैन ने मुस्बत तफरी का मौका फराहम करने पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की आला तालीम और हेल्थ वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इकदाम रहे हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ मियारी तफरी के लिए तामीरी सरगर्मियां जारी रहेंगी। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 95, पंजाब यूनिवर्सिटी 90 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 87 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोग मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोग से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं, ये स्मोग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोग फैलाने वालों की तलाश 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। राजनपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल का मोयमा हल कर दिया। शहरी मोहम्मद अकमल के कातिल पुलिस की शबो रोज काविशों से अपने मंत की अंजाम को पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक थाना मोहम्मदपुर पुलिस को इतला मौसूल हुई कि चंद नामालूम अफराद ने मोहम्मद अकमल को फायर करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। पुलिस की जानिब से इब्तदाई कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया और मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पुलिस टीम की जानिब से इस अंधे कत्ल को ट्रेस करने के लिए जदीद ज़राए और दीगर तमाम वसाइल को बुरोकार लाते हुए कार्रवाई का आगाज किया गया। पुलिस टीम शबो रोज की काविशों और पेशावराना तफ्तीश की बदौलत मकतूल मोहम्मद अकमल के कातलों का सराग लगाने में कामयाब हो गई। कातिल मोहम्मद अकमल के रिश्तेदार निकले। इस हवाले से डीपीओ राजनपुर का कहना था कि कातलों की गिरफ्तार में पुलिस टीम की शब रोज की काविशें काबिले तहसीन हैं और पूरी टीम तारीफ की मुस्तहिक है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।